ऋतिक बुक से पार्ट 8 एक कुत्ता और मैना का पाठ पढ़ेंगे। इसमें है पाठ का सार यह निबंध गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने व्यक्तित्व को उजागर करते हुए लिखा है कि लेखक ने अपने और गुरुदेव के बीच के बातचीत द्वारा उनके स्वभाव में विद्वान गुणों का परिचय दिया है। इसमें रविंद्रनाथ जी टैगोर ने बताया कि कविताएं जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी उकेरे गए। संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण, इस पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार किया गया है। यह निबंध हमें जीव जंतुओं से प्रेम और स्नेह की करने की प्रेरणा देता है। अब है लेखक परिचय पर हम नजर डालेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिले में बलिया गांव में हुआ। उन्होंने शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की, शांति निकेतन विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य किया। इनके प्रमुख कार्य अशोक के फूल कृतियाँ हैं, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नावा, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में साहित्य की भूमिका कवि। पुरस्कार मिला इनको साहित्य अकादमी और पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला। कठिन शब्दों का अर्थ, छीण बपू कमजोर शरीर, प्रगल्भ वाचाल, पति तृप्ति, पूरी तरह संतोष प्राप्त करना, प्राण पड़े यानी जान की बाजी लगाना, मर्म भेदी यानी दिल को लगने वाला, तितल्ले यानी तीसरी मंजिल पर, अभियोग यानी आरोप या आरोप लगना, ईशत यानी आंशिक रूप से, निर्वासन यानी देश को देश से निकाला होना, विडौल यानी विलाप, मुखातिब यानी संबोधित होकर, सर्वव्यापक यानी सब में रहने वाला, अपरिसीम यानी असीमित, यथ भ्रष्ट यानी समूह से निकला हुआ, दृष्ट यानी लज्जा रहे, उत्तरायण यानी शांति निकेतन उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का ये निवास स्थान, निवास स्थान के बारे में उदाहरण दिया। प्रश्न एक है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों नहीं बनाया? उत्तर, गुरुदेव अस्वस्थ थे, उन्हें एकांत और आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में भी दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे श्री निकेतन के अपने पुराने 3 मंजिल मकान में निवास करेंगे। प्रश्न दो है, मूक प्राणी को मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर बताया है कि एक कुत्ता और मैना। एक मैना निबंध में कुत्ते का संस्मरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि मूक प्राणी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। इसमें कुत्ता और मैना का उदाहरण देके बताया गया है। और कुत्ता गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव के पास निकेतन आ जाता है। गुरुदेव का प्यार भरा स्पर्श पाकर आनंदित हो जाता है और वह इसी तरह गुरुदेव की मृत्यु पर वह चिंता भस्म लाने के साथ साथ चिता भस्म लाने के साथ साथ चलता हुआ उत्तरायण तक आता है। चिता भस्म के बाद बड़ी देर तक शांत भाव से बैठा रहता है। प्रश्न तीसरा है, गुरुदेव द्वारा मैना लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाए? उत्तर है, गुरुदेव और मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो कविता का मर्म भी समझ में आया। प्रश्न चार, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है, निबंध गद्य साहित्य उत्कृष्टता है, लेखक ने इसका कलात्मक और लालित्यपूर्ण अभिव्यक्त किया है, किन्हीं 4 विशेषताएं इनमें से उल्लेख करें? एक कुत्ता और एक मैना में जिन निबंध में लेखक के भाव विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में जिन स्थलों पर अभिव्यक्त किया है वे स्थल हैं। पहला है, अपने मकान में मैना दंपत्ति के क्रियाकलापों में, जैसे एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रति वर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चीतड़ों का अंबार लगा देते हैं। दूसरा है, पत्नी ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह बेचारे आ गए तो रहने दो जी, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है।
तीसरा, एक लंगनी मैना को कुदकते देखकर देखते हो यह तो भ्रष्ट है, रोज कुदकती है ठीक यही आकर। चौथा, शायद यह विदुर पति है जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईसर चोट खाकर एकांत विहार कर गई थी। प्रश्न 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की तो करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है, कवि थे उन्हें मर्म भेदी दृष्टि प्राप्त थी, इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन रानी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास रखता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राण पर से उन पर निछावर हो जाता है। और इस प्रकार रविन्द्रनाथ ने कुत्ते के मानवीय अनुभूति को देख लिया जो प्राय मनुष्य के भीतर एक मनुष्य को नहीं देख पाता। प्रश्न 6 है, पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। उत्तर है, छात्र पशु पक्षियों से जुड़े किसी प्रसंग या घटना को कलात्मक शैली में स्वयं लिखें। भाषा अध्ययन प्रश्न 7, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। ऊपर दिए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के चार वाक्य छाटिए। अकर्मक क्रिया है, अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे, वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे, गुरुदेव बड़े आनंद में थे। सकर्मक है, एक दिन उन्हें सब परिवारों के दर्शन की ठानी। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे, आंखें मुनकर अपने रोम रोम से अनुभव करने लगा। देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, चार चार वाक अकर्मक और सकर्मक क्रिया के। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद कीजिए। मीना कहानी सुनाती है, अभिनव सो बह रहा है, गाय घास खाती है, मोहन ने भाई को गेंद दी, लड़कियां रोने लगी। वाक्य है, मीना कहानी सुनाती है, यह सकर्मक क्रिया है, अभिनव सो रहा अकर्मक क्रिया है, गाय घास खाती सकर्मक है क्रिया है, मोहन ने भाई को गेंद दी सकर्मक क्रिया है, लड़कियां रोने लगी अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 9, नीचे पाठ दिए शब्दों को युग्म उदाहरण देखकर असमय समय अवस्थान अवस्था इन शब्दों में आ लगाकर शब्द बनाएं और नीचे दिखे उत्तर देखिए। आ से और अनुपसर्ग से बने शब्दों का, आ से हिंदी अहिंदी, प्रगल अप्रगल, भीत अभीत, कुशल अकुशल, भाव अभाव, स्वीकृति अस्वीकृति, चैतन्य अचैतन्य, सहज असहज, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, करुण अकरुण, सत्य असत्य, अन ए अने, उत्तर अनुत्तर, अंग अनंग, आरोग्य अनारोग्य, आश्चर्य अनाश्चर्य, भला अनभला, आक्रमण अनाक्रमण, जान अनजान। पाठ 73 सक्रियता। प्रश्न 10 में पशु पक्षियों पर लिखी कविताओं का संग्रह करें, उनके चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। छात्र कविताओं का संग्रह स्वयं करें और चित्र के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। यहीं पर आपका पाठ ही समाप्त है। आपको क्वेश्चन